गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ मोनिश्का। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मोनिश्का किचन एंड लाइफस्टाइल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेज मंचूरियन विद ग्रेवी की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ कैबेज लिया है। उसमें हम थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया है उतना ही हम मैदा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। वन टीस्पून ब्लैक पेपर। 2 से 3 फाइनली चॉप किए हुए ग्रीन चिली। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ एक मंचूरियन बॉल बनाकर चेक करूंगी इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है या नहीं। आप देख सकते हैं बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। अब हम इसमें दोबारा से 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और मैदा डाल देंगे। अब इसको हम दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मंचूरियन बॉल बनाते समय हमें कॉर्नफ्लावर और मैदा की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि इससे मंचूरियन बॉल हार्ड बन जाते हैं। हमें उतना ही मैदा और कॉर्नफ्लावर डालना है जिससे इसकी मंचूरियन बॉल की बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अब हम एक एक करके सारे मंचूरियन बॉल्स बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी मंचूरियन बॉल बहुत ही अच्छी बनी है, क्योंकि हमने इसमें ज़रूरत के हिसाब से ही मैदा और कॉर्नफ्लावर डाला है। अब हम सारे मंचूरियन बॉल बनाकर एक प्लेट में रेडी कर लेंगे। अब हम मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। मंचूरियन बॉल्स डालते समय हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। जब हम सारे मंचूरियन बॉल डाल देंगे कढ़ाई में, फिर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इनको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। अब हम मंचूरियन के लिए ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। उसमें हम 10 से 15 बारीक चॉप किए हुए लहसुन की कलियां डाल देंगे। इनको हम 10 से 15 सेकंड तक भूनेंगे। अब इसमें हम कुछ कटे हुए वेजिट डाल देंगे। इसमें मैंने लिया है गाजर, प्याज और स्प्रिंग अनियंस। इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे।
हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, वन टी स्पून ब्लैक पेपर, टू टेबल स्पून टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस को मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून सोया सॉस, अब मैंने यहाँ एक बॉल में वन टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया जिसमें हम पानी डालकर इसका पतला घोल बना लेंगे। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो घोल रेडी किया था उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। अब हम इसमें सारे फ्राई किए हुए मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। अब हमारी मंचूरियन ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा कटा हुआ स्प्रिंग अनियंस। अब हम इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम एक एक करके सारे मंचूरियन बॉल्स को एक बॉल में निकाल लेंगे। मैंने सारे मंचूरियन बॉल्स को एक बॉल में निकाल लिया है। अब मैं एक मंचूरियन बॉल्स को आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारी मंचूरियन बॉल्स बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।